नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग नागपुरी में एमसीक्यू देखेंगे आज वीडियो में, और नागपुरी श्रेष्ठ गीत और कविता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, स्पेशली जेएसएससी सीजीएल के लिए तो खासकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, तुलसी और कैक्टस नामक कविता में हमरे तुलसी के काल अथि रोपिला। इसका आंसर होगा पवित्र मन से। हम लोग तुलसी को पवित्र मन से अपने घर में लगाते हैं। धनेन्द्र प्रवाही द्वारा अपना अंगना बीचे तुलसी कहाँ रोपल जाए? तो अंगना बीचे माझे तुलसी रोपल जाए, ठीक है। डॉक्टर गिरधारी राम गंझू गिरिराज के भारत सरकार बट से कौन सम्मान मिल है? तो भारत सरकार द्वारा गिरधारी राम गंझू को पद्मश्री मिला है, ये 2022 में मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अवार्ड इनको मरणोपरांत मिला, मरने के बाद मिला है। तोर बेतरा में शीर्षक काव्य रचना केकर द्वारा लिखल जाए? ये गिरधारी राम गंझू के द्वारा लिखा गया है। बेतरा शब्द कर विलोम शब्द का होला? देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि बेतरा का मतलब क्या होता है। तो जैसा इस फोटो में दिख रहा है कि एक लेडी क्या है, पीछे गमछी बांधी हुई है और उसमें अपने बच्चे को अच्छे से बांध के रखी है, उसके बाद अपना वो सारा काम कर रही है, तो इसको बेतरा बोलते हैं, ठीक है। तो बेतरा का विलोम शब्द क्या हो गया? तो कोरा होगा, कोरा मतलब गोद, ठीक है। लोकप्रिय साहित्यकार कर अलावे हमारे कुमारी बासंती कर और कौन रूप में जाने ला? तो कुमारी बासंती शिक्षाविद के रूप में जानी जाती है। कुमारी बासंती से रिलेटेड कुछ और फैक्ट ध्यान में रखिए कि कुमारी बासंती का जन्म जो है वो मार्च 1950 में हुआ है, जो कि पोढ़ा गांव में हुआ था, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक तो फैक्ट और याद रखिए कि इनका जो पीएचडी शोध प्रबंध है ना, उस किताब का नाम था नागपुरी गीतों की छंद रचना, ठीक है। कुमारी बासंती अपन रचना में केकर गीत गावेला? तो कुमारी बासंती अपन रचना में नवा फालक नवा गीत गावेला, ठीक है। पांडे रविंद्रनाथ राय कौन काव्य रचना बगरा प्रसिद्ध आवे? तो गांव करफांज पंडित रविंद्रनाथ राय का है। बरजू राम नामक कवि कर पूरा नाम का है? तो बरजू राम जी का पूरा नाम जो है वो बरजू राम पाठक है, ठीक है। और यह हापा मुनि मंदिर जो कि गुमला में है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ भी गया, कौन नागपुरी कवि हापा मुनि मंदिर कर पुजारी के रूप में काम करेगा? तो बरजू राम पाठक, जो कि कहाँ पे है, ये गुमला में आपको देखने मिलेगा हापा मुनि मंदिर, जो कि माँ काली को समर्पित है, ठीक है। महंत घाफी कौन काल का रचनाकार माना जाता है? महंत घाफी मध्य काल का रचनाकार। बंझिला गांव से संबंध नागपुरी में क्या क्या है? तो बंझिला गांव से संबंध जो है वो महंत घाफी जी का है, उनका जन्म स्थान है वो। घाफी राम नाम कवि कौन काल कर लोकप्रिय कवि माना जाता है? घाफी राम जो है वो मध्य काल के लोकप्रिय कवि है। घाफी राम से रिलेटेड एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इन पे एक महाकाव्य लिखा गया जिसका नाम है अविनाशी घाफी, जो कि कृष्ण प्रसाद साहू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ भी गया, घाफी राम नामक कवि कर जीवन वृत्त पर महाकाव्य लिखल है, कवि के एक है तो कृष्ण प्रसाद साहू, महाकाव्य का नाम क्या है? अविनाशी घाफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कवि कंचन कर मूल नाम का है के चुनीराम दुबे? कवि कंचन कर कौन तरह का रचना बहुत प्रसिद्ध है? तो कवि कंचन जो है वो कृष्ण काव्य भक्ति से रिलेटेड रचना लिखते हैं। जगन्निवास नारायण तिवारी कौन काल कर कवि? जगन्निवास नारायण तिवारी जो है वो आपको मध्यकाल में देखने को मिलेंगे, तो ये मध्यकाल के कवि है। अजीज अंसारी अपन रचना में के बड़ा बलवान माने? तो अजीज अंसारी क्या लिखते हैं? मुलुक भारत के बारे में लिखते हैं, तो हमारे भारत मुल्क को महान मानते हैं और बलवान मानते हैं। पंडित रविंद्रनाथ राय अपना रचना में के सांझ कर उल्लेख कर रहे हैं? तो गांव कर सांझ। मुलुक शब्द कर समानार्थी का होकेला? तो मुलुक शब्द के समानार्थी में राज्य भी होगा, वतन भी होगा, देश भी होगा, जिसका आंसर हो जाएगा देवल सौ। शकुंतला मिश्र नामक कवित्री अपन रचना में के जगत जननी माई? तो जगत जननी किन को मानती है? ये होगा आंसर बी, माया को, जो जन्म देती है उन्हें जगत जननी मानती है।
कौन नागपुरी काव्य में सृष्टि करे वाला जननी कर वर्णन है? तो जगत जननी। दूसरा क्या होगा? बी जगत जननी। नागपुरी के गीत कर रानी कहल जायला जे के कर द्वारा कहल गया। तो देखिए, नागपुरी को गीत कर रानी आचार्य केसरी कुमार के द्वारा कहा गया है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि बीपी केसरी के द्वारा नागपुरी को बांसुरी कर गीत कहा गया है, ठीक है? आचार्य केसरी के द्वारा गीत कर रानी और बीपी केसरी के द्वारा बांसुरी कर गीत। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पहले आया हुआ भी है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी काव्य कर शुरुआत केकर द्वारा होयला जे नागवंशी राज परंपरा कर पहला कवि है गए। इनका रचना काल 1626 से 1668 मानल जाए है। ये रघुनाथ निरपति जी है। रघुनाथ निरपति जो है वो नागपुरी में नागवंश से बिलोंग करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रघुनाथ निरपति कर कौन रचना हमरे लागिन प्रस्तुत है? तो पोड़िलो बरखा ऋतु। पोड़िलो बरखा ऋतु जो है वो आपको करुण और विरह रस में देखने को मिलेगा और ये मेनली बरखा ऋतु से रिलेटेड है, ठीक है? रस तरंगनी नाम से मिले वाला काव्य संकलन केकर द्वारा लिखल जाए? तो रस तरंगनी नाम से जो काव्य संकलन है वो आपको जगन्निवास नारायण तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है। और इनसे रिलेटेड एक चीज और याद रखिए कि हम लोग के सिलेबस में क्या पढ़ना है। हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है अर्जुन कहत विचारी, ठीक है? धृगपाल राम देवघरिया का रचना काल केकर से संबंधित है। धृगपाल राम देवघरिया जो है वो आपके आ जाएंगे मध्यकाल से। गीत रूप में कौन रचना हमरे लागिन कवि धृगपाल राम देवघरिया लिखे हैं? संवत 65 साल। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म स्थान कहाँ मानल जाए? तो प्रफुल्ल कुमार राय जी का जो जन्म स्थान है वो पहाड़ बंगरू है। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका जन्म डेट क्या है? इनका जो जन्म डेट है वो है आपका 8 फरवरी 1926 और मृत्यु डेट जो है वो आपका है 6 फरवरी 1991, ठीक है? नागपुरी भाषा परिषद कर संस्थापक सदस्य के रूप में कौन नागपुरी कवि हमारे लिए आदर्श आए? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय से रिलेटेड एक दो फैक्ट और याद रखिए कि प्रफुल्ल कुमार राय जो थे वो एनसीडीसी सीसीएल रांची में नौकरी किए थे और इनका जो पढ़ाई हुआ था वो कॉमर्स से हुआ था और उसके बाद वो एलएलबी भी किए। और ये नागपुरी कर आधुनिक काल कर शुरुआती कवि माने जाते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि नागपुरी का जो आधुनिक काल है उन्हीं के कलम से शुरू होता है, इसलिए इनको युग प्रवर्तक कवि भी माना जाता है। और ये लौकिक छंद को छोड़कर आधुनिक छंद में लिखने वाले कवि थे, ठीक है? इनके कुछ किताब हैं जैसे सोइंझर रिंचिंगिया, ये दो इनके फेमस किताब हैं, तो ध्यान में रखना है। और इनसे रिलेटेड एक चीज और याद रखिए कि शंकर गोटेक जिंदगी नामक पहला उपन्यास लिखे थे। नागपुरी का पहला उपन्यास जो था शंकर गोटेक जिंदगी वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ठीक है? और हम लोग को सिलेबस में एक चीज और भी पढ़ना है, ठाकुर विश्वनाथ साई के ऊपर नाटक है जो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा ही नागपुरी में अनुवाद किया गया है और इसका मंच प्रदर्शन जो हुआ था वो एनसीडीसी हॉल में 1969 में हुआ था। ये सारे जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रहे वो सब इम्पोर्टेंट है, तो आप आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन गीत रचना हमरे लिए प्रस्तुत है? तो कड़की उठले तरवारी, ये आपको नाटक में भी देखने को मिलता है। विक्रमशिला विद्यापीठ कर माध्यम से नईमुद्दीन मिर्ताहा के कौन सम्मान देवल जाए? तो नईमुद्दीन मिर्ताहा को विद्यापीठ के माध्यम से कवि रत्न का सम्मान दिया जाता है। मिर्ताहा जी से रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो 14 जून 1936 को हुआ था जो कि कादोजोरा गांव बेड़ो में है, ठीक है? इनको नागपुरी साहित्य जगत का रसखान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है कि इनको नागपुरी साहित्य जगत का रसखान भी कहा जाता है। नईमुद्दीन मिर्ताहा कर संबंध कौन गांव से है? तभी हम लोग देखे कादोजोरा। कवि लाल रण विजयनाथ सहदेव के हमरे कौन रस कर बड़ कवि मानी ला? कवि लाल रण विजयनाथ सहदेव जो है वो वीर रस के बड़ कवि माने जाते हैं। इनका जो कविता हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में
वो है आजादी खातिर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, आजादी खातिर नामक गीत रचना कौन कवि द्वारा लिखल जाए? तो लाल रणविजयनाथ फाहदे, कवि लाल रणविजयनाथ फाहदे की कर आजादी कर मांग करेला, झारखंड कर आजादी कर मांग करेला। क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने नागपुरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कभी तो नहीं बट हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है उसको भी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी MCQ के साथ मिलते हैं।